स्टार्ट उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को इस सदन में लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इस समय में जो पहले के राज्यपाल हैं वे अपने सिद्धांत और आदर्श में गिरते चले जा रहे हैं, जिससे देश के जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। जो आदमी संविधान के रक्षक के रूप में काम कर चुका हो, राज्यपाल रह चुका हो और वही आदमी राज्यपाल न रहने पर ऐसा कार्य करे जो जनता के विरुद्ध जाता हो, तो इससे यह मालूम होता है कि वह उसका जो आदर्श है उससे गिर रहा है। उनके सामने हमेशा यह आदर्श रहना चाहिए कि अधिक लोगों का हित हो और हम लोकराज्य की स्थापना कर सकें, जैसा कि हमने अपने संविधान में कहा है। लेकिन देखने में यह आता है कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। पैराग्राफ चेंज। एक बात इस सिलसिले में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जब यह कानून बना था उसमें यह बात शामिल थी कि जो लोग दबे हुए हैं, जिन जिन लोगों का शोषण होता है, उनको कुछ सुविधा मिले, उन्हें कुछ राहत मिले और इस प्रकार से उनका जीवन स्तर ऊंचा हो। यह बात सबको मालूम है कि भारत के जो अखबार हैं उनके जो मालिक हैं वे प्रायः वही लोग हैं जो धनी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तथा उनसे अपने हितों की रक्षा का कार्य भी करवाते हैं। इस कानून के बनने से उनको ऐसा लगा कि हमारे जो हित हैं उनको धक्का लगेगा और कर्मचारी को कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा। उन्होंने इस बात को, जिसे इस सदन ने पास किया था, चुनौती दी और वे कोर्ट में गए और वहाँ पर भी हम यह देखते हैं कि उस मुकदमे की पैरवी करने के लिए एक आदमी जो कि राज्यपाल के इस पद पर कार्य कर चुके हैं, पैराग्राफ चेंज, राज्यपाल के पद पर रहने पर तो हम जन कल्याण की भावना का समर्थन करें, लेकिन उस पद को छोड़ने के तुरंत बाद ही हम उसके विरुद्ध कार्य करें, तो इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे जो राज्यपाल हैं वे राज्यपाल की इज्जत को धक्का लगा रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल ऐसे आदमी नियुक्त किए जाते हैं जिनका बड़ा सम्मान होता है और जो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं और देश के नेता होते हैं। स्टॉप।